हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने जा रहा हूँ, खास तौर से अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक एक रूल बताऊँगा, और आज की खास बात यह है कि जो मैंने सेंटेंस सेलेक्ट किया है वह सेंटेंस भी बिल्कुल अलग है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप लोग सभी इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब वन या वर्ब फाइव यानी कि जिसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है, तो कड़ी मेहनत का क्या होता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वैन। इन वैन मीन्स क्या होता है? व्यर्थ। तो हार्ड वर्क इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे सिंगुलर फॉर्म में मानेंगे। इसलिए यहाँ पर गो में ई एस एड हुआ है। ई एस कब लगाना है? जब वर्ब ओ से अंत होगा या एक्स रहेगा अंत में, तो ई एस एड करना है। आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने का रूल ज़रूर पढ़े होंगे, तो वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। सफलता असफलता के बाद आती है। सक्सेस कम्स आफ्टर फेलियर। बच्चे बड़ों से चीजें सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्न। यहां पर एस नहीं लगेगा क्योंकि बच्चे एक से अधिक होते हैं। यहां पर द भी नहीं लगेगा क्योंकि यह चीजें नॉर्मल है, और जो चीजें नॉर्मल होती है उसमें द नहीं लगाते हैं। बच्चे बड़ों से चीजें सीखते ही हैं। चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स फ्रॉम द ओल्डर पीपल। बहुत लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं। मैनी पीपल बिलीव होगा यहाँ पर, क्योंकि मैनी पीपल एक से अधिक है। मैनी पीपल बिलीव इन लक। मैं जीवन में रास्ता बनाना जानता हूँ। आई नो। आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए एस एस नहीं लगाना है, और जहाँ पर नो वर्ब यूज होता है वहाँ हाउ टू ज़रूर लगता है। कोई भी चीज़ सीखने का बोध हो, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। उसी प्रकार आई नो हाउ टू मेक वे, रास्ता बनाना जीवन में, इन लाइफ। मैं जीवन के अनुभव से सबक सीखता हूँ। आई लर्न लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। वह मुझे अपने मन की बात बताती है। सी स्पीक्स हर माइंड टू मी। देश का भविष्य इसके शासक पर निर्भर करता है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए सिंगुलर मानेंगे, इसलिए यहाँ पर डिपेंड्स हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन इट्स रूलर यानी शासक। अनुशासन हमारा चरित्र निर्माण करता है। डिसिप्लिन बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना होता है, तो बिल्ड्स हो जाएगा क्योंकि डिसिप्लिन को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। डिसिप्लिन बिल्ड्स आवर कैरेक्टर। एक सच्चा नागरिक खुद कानून मानता है। अ ट्रू सिटीजन, यहाँ ए से शुरू हुआ है इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा ओबेज। ऑबेज लॉ
हिमसेल्फ यानी खुद से, स्वयं, अ ट्रू सिटीजन ऑलवेज लॉ हिमसेल्फ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग मैंने ट्रांसलेशन पर 50 से ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।